वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले देख लेते हैं साइड लेग स्प्लिट, कौन सी? साइड लेग स्प्लिट, लेफ्ट लेग स्ट्रेचिंग। लेट्स स्टार्ट। हाँ एक मिनट, सामने का जो पैर है वो टच के ऊपर और पीछे का पैर देख उसका आड़ा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। और दोनों हाथ बाजू में इस तरह से पूरा स्ट्रेच, ठीक है? और अपना सर जो है सामने के घुटने को लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब इसमें एक बात है, दोनों पैर जो है घुटने से स्ट्रेट है, उसको बेंड नहीं करना। नहीं होती है स्ट्रेचिंग तो नो प्रॉब्लम, जितनी होती है उतनी और धीरे धीरे उसको होल्ड करेंगे तो खुद ब खुद वो प्रेस हो जाएगी, ठीक है? चलो अगेन, ओके स्टैंड अप। अभी उसी तरह से राइट लेग स्ट्रेचिंग, ठीक है? टेक पोजीशन, स्टार्ट। देखो पैर उसके कैसे है, बिल्कुल स्ट्रेच है और कोई भी ऐसा ज़्यादा हार्डली उसको ये नहीं करना है पुश, ठीक है? झटके से नहीं। चलो अगेन, हाँ स्टैंड अप, ओके। मेडल स्प्लिट, सेम स्ट्रेचिंग पोजीशन। बैठ जाओ बेटा नीचे। हाँ इसमें पैर जो है ना दोनों टाच के ऊपर है, एड़ी के ऊपर है इस तरह से, ठीक है? और धीरे धीरे उसको बिल्कुल घुटने से स्ट्रेट है। ऊपर देखो, हाँ ऊपर देखेंगे तो अच्छे से स्ट्रेच होगा, होल्ड करना है इसी पोजीशन में। चलो पीछे बैठ जाओ, ओके पैर मिलाओ दोनों, अगेन स्टैंड अप, ठीक है? समझ में आ गया?